वहीं राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश में निर्माणाधीन नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के साथ ही औद्योगिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर के विकास की प्रगति जानी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी के तहत सीएम योगी ने कहा कि बीते 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वहीं 2017 तक मात्र 2 एक्सप्रेसवे वाले इस प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेसवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी 7 वर्ष पहले की तुलना में 2 गुने हो गए हैं और आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिल रही है।